वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी को यूथ आइकन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमारे बोर्ड में काफ़ी रिपीटेड भी हैं और अदर कंपटीशन में भी काफ़ी रिपीटेड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कह रहा है ताप बढ़ने पर गैसों की क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है? फटाफट बताइए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने, लसलसाहट, उसकी श्यानता का मतलब होता है लसलसाहट बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसको चलिए हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव बराबर कितना है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, बल के डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। ठीक है, नीचे एल है ना, लेंथ के लिए एल होता है। ठीक है, इससे एल से एल हमारा रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमारा क्या मिलेगा? फाइनली हमारा मिलेगा एम टी माइनस टू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फटाफट बोलिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है किसके कारण होती है? फटाफट बोलिए। ऑप्शन ए कह रहा है श्यानता के कारण, बी कह रहा है सरफेस टेंशन के यानी पृष्ठ तनाव के कारण, सी कह रहा है वायुमंडलीय दाब के कारण, डी कह रहा है गुरुत्व के कारण। किसके कारण होगा? फटाफट बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है क्योंकि क्या करता है? इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, निम्न होती है, या यह तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन ए कह रहा है इसका घनत्व उच्च होता है, किसके कारण होता है? फटाफट बोलिए क्या होगा आंसर। जैसे हमारा कार जो होता है ना, हम लोग कार यूज करते हैं, तो उसमें जो मोटर गाड़ियों में जो डाला जाता है वाटर, क्यों डाला जाता है? पानी। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। फटाफट बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु का पैरावैद्युतांक कितना होता है? ए 0, बी 1, सी 1 से भी अधिक, डी इनमें अनंत। फटाफट बोलिए कौन सा हो जाएगा। धातु का जो पैरावैद्युतांक होता है ना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट चैप्टर का उस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अनंत होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनफाइनाइट अनंत होता है। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट कह रहा, देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होता है क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होता है क्या होता है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी या यहाँ पे डी होगा, कौन सा होगा? फटाफट बोलिए कौन सा होगा। तो अच्छा, इसका ऐसे मात्र क्या होता है? इसका होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऐसे मात्र होता है। तो पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या थी, से मात्र क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी विल बी द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरे क्या क्या हो रहा है, ठीक है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, m-1 l-3 t4 a2, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे तो लगा हुआ, कोई नहीं, चलिए ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है कितना होता है, कितना हो जाएगा, फटाफट बोलिए। a b c d, देखिएगा फटाफट, तो शायद आपको पता भी होगा या आप पहचान ली भी होंगे। ऑप्शन बी विल बी द क्या होगा राइट आंसर, क्या होता है 9×10^9 होता है, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है जो किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी होती है, कितनी होती है, किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स का ऐसे मात्र क्या होता है, विद्युतीय जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज नहीं होता, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर टेस्ला, सी कह रहा वोल्ट मीटर, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी कह रहा हेनरी, क्या होगा ऑप्शन हमारा, फटाफट बोलिए। मे बी आपको पता चल गया ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ऐसा ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमारे क्लासेस एवरीडे क्लास से जुड़े, ठीक है। चलिए गॉस का नियम लागू होता है किसके लिए, गॉस जो थ्योरम है, कह रहा है गॉस के नियमानुसार क्या होता है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट बोलिए क्या हो जाएगा। तो देखिए गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत, देखिए फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, डिफिनेशन छोड़ते हैं, ठीक है। डाई ये होता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें दिया हुआ है, चलिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गुनगुनाते रहें और हमारी क्लासों से जुड़ते रहें। चलिए देखते हैं विद्युत विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारिता जो है ना उसकी बीमा क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, कोई नहीं, चलिए हम सिखाते हैं इसको निकालने के लिए। क्यू बराबर कौन सा होता है, क्यू बराबर होता है सी इंटू बी, हमको निकालना क्या धारिता, सी सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई बी। अच्छा इसका बीमा क्या होता है, आवेश का आई टी या ए टी, तो यहाँ पे देखिए ए सब में दिया तो ए टी लिख लीजिए, ठीक है, ए टी लिख लीजिए अपॉन। अब वोल्ट का बीमा कौन सा, 12 - 31 हो, 12 प्रतिरोध के लिए 12 - 32 और 12 - 31 होता है, ठीक है। m l m l t -3 a-1, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा m-1, ये l ऊपर जाएगा तो l क्या हो जाएगा m-1, ठीक है, m-12 - 32 ना तो अच्छा ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो m-1 l-2 t-4 किस में दिया है, t-4 थोड़ी होगा, t पॉजिटिव ना हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो t4, तो t4 दे रहा है इसमें a-1, तो यहाँ पे एक और है तो क्या हो जाएगा, दो तो t2 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पर ट्रैक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, चलिए फटाफट बताइए ऐसा ही पद्धति में विद्युत धारिता का मात्र क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर
एक एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होता है? एक जो एम्पियर होता है विद्युत धारा कितने के बराबर होता है? फटाफट फटाफट, कमान 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 कमान, टेल मी, ए बी सी डी क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 6.25 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ठीक है, ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट थोड़े देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समय पर आप लोग को ये बना रहे दिमाग में बस। विभवांतर का विभवांतर जो होता है मापा जाता है किससे? वोल्ट, ओम, कूलम्ब या एम्पियर। ऑप्शन ए कर एम्पियर, ऑप्शन बी कर ओम, ऑप्शन सी कर कूलम्ब, ऑप्शन डी कर वोल्ट। आपको पता है वोल्ट मीटर सिंपल है, वोल्ट मीटर का चीज हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद में आंसर की होगा। किरचॉप्स का जो द्वितीय नियम होता है किस नियम को व्यक्त करता है बताइए? आवेश संरक्षण के नियम को, संवेग संरक्षण के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, क्या हो जाएगा? ए बी सी या डी कौन होगा? फटाफट बताइए, फाइंड आउट कीजिए फटाफट, कमॉन कमॉन कमॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, द्वितीय के लिए तो अभी तो इसका हो जाएगा इनर्जी, ठीक है, ऊर्जा कंजर्वेशन। ये बताइए किरचॉप्स का जो फर्स्ट लॉ होता है किस पे आधारित है? फर्स्ट लॉ वो किस पे आधारित है? वो हो जाएगा फर्स्ट लॉ आवेश, फर्स्ट लॉ LAW, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा इनर्जी, इनर्जी, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है और इसके लास्ट में हमारा आंसर की डाल दिया हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, इसका टेलीग्राम का नाम है यूथ आइकन क्लासेस, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए आंसर की डाला हुआ हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।